यूपी के बुलंदशहर में आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए अवैध तमंचा फैक्ट्री में तमंचे बनाकर तमंचे बेचने वाले 3 अवैध शस्त्र निर्माताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बने अधबने 25 तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में भारी मात्रा में बरामद इन अवैध तमंचों के साथ खड़े हैं ये बुलंदशहर के रहने वाले नरेश, नितिन और विजय पाल, जिन पर अवैध तमंचे की फैक्ट्री चलाने और लोकसभा चुनावों में ऑन डिमांड तमंचे सप्लाई करने का आरोप है। दरअसल बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नरेश लोधी, नितिन और विजय पाल को उस समय पकड़ लिया जब ये तमंचों की सप्लाई करने के लिए खुर्जा जा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद नीमखेड़ा गाँव के जंगलों में छापा मारा, जहां अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चलती पाई गई। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपी यह दावा कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों के सापेक्ष अब तक बुलंदशहर में जनपद में 2000 अवैध तमंचों की सप्लाई वह कर चुके हैं और 1800 से 2000 रुपए में तमंचे बेचते हैं और ऑन डिमांड तमंचे बनाकर सप्लाई भी करते हैं। बहरहाल पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री से बने अधबने 25 तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद कर आरोपियों को तो जेल भेज दिया, लेकिन अब एसएसपी ने अवैध शस्त्रों को लेकर जनपद में बड़ा अभियान चलाने का दावा किया है। किस तरह से हथियार तुम बनाते थे, ऑर्डर मिलता था उसका? ऑर्डर हमें कोई नहीं मिलता साहब, हम अपनी मर्जी से बनाते थे, कभी बना लेते थे कभी रुक जाते थे, तो जैसे जैसे हम पे कभी कोई मांग करता था तो हम पहुंचा देते थे। कितने तक की कीमत में बेच दिया करते? 1600-1700 या 1800 कीमत। कितने रुपए में बन के तैयार होता था ये? करीब 450-500 रुपए लग जाते। क्या चुनाव में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी कहीं इस्तेमाल? चुनाव में हम कोई ऑर्डर नहीं था, हम बना रहे थे, कभी आता ऑर्डर तो दे देते। अच्छा, पहले ऑर्डर आता था चुनाव में? हम बना के रखे, किसी ने ऑर्डर दिया ले भैया आएंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो हथियार बनाने का तरीका, ये सीखा कहाँ? ये सीखा कहाँ जी, एक मर गया नरेंद्र नाम था, एक शांतिलाल थे, खुर्जे के रहने वाले थे, वो हमारे उस्ताद थे। अच्छा ये बताओ कि कहाँ कहाँ तक हथियार बेचे हमने? तो जी अपने खुर्जा इलाके के आसपास ही। बाहरी लोग आते हैं खरीदने के लिए? बाहर हमने नहीं बेचे, बाहर के जो एक आद आते थे, जैसे हमारे जितेंद्र हैं जो हमने नाम खोल दिया है, उसी को देते थे, बाकी बाहर का कोई नहीं था, हम आस पास से ही। ये किसी के ऑर्डर में बना रहे थे या अपने बिजनेस के लिए बना रहे थे? अभी किसी का ऑर्डर कोई नहीं। ये दो है भाई साहब, देखो। अच्छा, एक ये अपने की तरफ देखो। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश नाम है, नीमखेड़ा पर रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसे बनाते हो तुम यहाँ पे? इसी से हम इनके साथ काम करते थे और जैसे ही बनता था माल सप्लाई हम आपस में कर लेते हैं। अच्छा कितने का बना के बनता था? 400-500 रुपये खर्चा आई जाता है और 1700-1800-1900 ऐसा दे देते हैं। कितने समय से बना रहे थे? मैं तो फिर जल्दी में जब भी चालू हुआ मैं तो जब भी पकड़ा। पहले जेल गए? हाँ, फैक्ट्री के मामले में जब भी मैं चालू करा हम जब भी पकड़ा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर चालू करा, अब भी ऐसे हुआ मेरे साथ में, चालू करा पकड़ा। ठीक, सर कौन लोग हैं जिनको पकड़ा गया है और कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? कल कोतवाली नगर एरिया में एक ऐसे जानकारी मिला, मोटरसाइकिल में तमंचा लेकर के ये आदमी जा रहा है सप्लाई करने के लिए। चेकिंग में एक नरेश लोधी का पकड़ा, उन्हीं से 3 तमंचा रखकर हो गई, उनसे पूछताछ करने में कोतवाली देहात एरिया में एक गांव में ऐसे ट्यूबवेल के अंदर फैक्ट्री टाइप में ये लोग कर रहा है, उधर जा करके इमीडिएटली चेकिंग करके उधर भी कुछ तमंचा ऐसे 19 आधा ज़्यादा उपकरण पूरा रिकवर हो गई। अभी तक इस केस में टोटल 3 लोग का अरेस्ट हो गई, नरेश, नितिन, विजय पाल, 3 लोग का अरेस्ट हो गई। इसी में 2 लोग ऐसे हैबिचुअल टाइप है, नरेश विजय पाल दोनों ऑलरेडी जेल गए थे बार बार, ये लोग बाहर आकर के यही कर रहा है। ये कोतवाली सिटी पुलिस का बहुत अच्छा, बुलंदशहर पुलिस के लिए बहुत अच्छा गुड वर्क है। इन्हीं लोग के लिए मैं ऐसे इसी टीम में टोटल 7 लोग है, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल। क्या सर ये जानकारी लग पाई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये हथियार बना रहे हो? ये विजय पाल है मेन आदमी, खुद ही बोल रहा है मुझे अभी ज्यादा डिमांड आना शुरू हो गई, इन्हीं लोगों का परिचय करने वाला है, इसलिए ये अगेन टीम गठित करके करने की कोशिश कर दिया। शुरू शुरू में हम लोग पकड़ा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये चुनाव के कारण इनका डिमांड ज्यादा हो गई, कुछ समय ये साइलेंट मोड में था, अभी अगेन शुरू कर। जनपद बुलंदशहर के एसएसपी एन कोलाची के आने के बाद जनपद में अपराधियों की आई शामत। खुर्जा नगर की पुलिस ने 15 तमंचों के साथ
अवैध हथियार बनाने वाले मिस्त्री रुकिया गिरफ्तार। वहीं सिकंदराबाद पुलिस ने भी 8 तमंचे, 1 बंदूक, 2 पिस्टल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। अब बारी थी बुलंदशहर कोतवाली नगर की। बुलंदशहर कोतवाली नगर की पुलिस ने 25 तमंचों के साथ अवैध हथियार बनाने वाले मिस्त्रियों किया गिरफ्तार, जो लोकसभा के आगामी होने वाले चुनाव के मद्देनजर ऑन डिमांड पर बना रहे थे अवैध हथियार। अभी तो एसएसपी बुलंदशहर का दावा है कि चुनाव से पहले ही 1000 अवैध शस्त्र बरामद कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अदनान के साथ रिजवान, CM न्यूज़, बुलंदशहर।